हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस स्टनिंग मॉम चैनल। सो राइट नाउ आई एम एट डायनासोर पार्क और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। ये पार्क हमारे घर के बहुत ही करीब है, बहुत ही पास में था, मगर हम कई बार सोचते थे कि जाएंगे। एक बार हम गए भी, मगर बहुत तेज धूप था तो हम वापस आ गए। सो इस बार वेदर भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने सोचा कि आज चलते हैं, कुछ करने को चाहिए भी। और काफ़ी दिन से हम सोच भी रहे थे कि कैसा पार्क है, तो चल के देखते तो हैं एटलीस्ट, क्योंकि बाहर से हमेशा इतने बड़े बड़े डायनासोर्स दिखते थे, अंदर कैसा है क्या है बाहर से अट्रैक्टिव लगता था, बस हमेशा लगता था कि जाना है। ये जैसे कि एंट्रेंस आपको मैंने दिखाया और ये साइड में एक प्लेग्राउंड था, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। फिर एंट्रेंस बहुत ही बेसिक्स का था और फिर हम लोगों ने टिकट लिया, $16 पर पर्सन था। और इसके बाद ये यहाँ पे ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क में आपको एक बार खेलने दिया जाएगा। अगर आपको और खेलना है तो आपको फिर यहाँ पे पैसे देने होंगे। उसके बाद जब मैं पार्क के अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और एजुकेशनल पार्क है ये, अबाउट डायनासोर्स। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको लेके आइएगा यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी डायनासोर्स हैं उनके बारे में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी डायनासोर्स हैं ये ज़्यादातर आपको US में ही मिले थे। इनका ओरिजिन कहाँ था, ये कब हुए थे और कैसे ये एकदम से गायब हो गए, सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी मैंने कैप्चर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है म्यूज़ियम और इन सारी पुरानी चीज़ों के बारे में जानना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आराम से हम लोगों ने 2 घंटे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे स्पेंड किया होगा। तो थोड़ा सा पार्क है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, एक स्टेडियम भी है वहाँ पे जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मगर ज़्यादा मज़ा आपको आएगा ये सारे डायनासोर्स को देखकर। और ये सारे डायनासोर सिर्फ ऐसे खड़े ही नहीं है, मतलब इनका जो डायनासोर की जो वॉइस होती है वो वॉइस भी इन लोगों में डाली गई है। देखने में एकदम नेचुरल लगेंगे आपको और साथ ही साथ थोड़े बहुत मूवमेंट्स भी हैं, तो ऐसा लगेगा कि बस एकदम नेचुरल से ये सारे डायनासोर यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो आप अगर यहाँ रहते हैं तो डेफिनेटली एक बार इस पार्क में आके ज़रूर से देखिएगा। अब मैं आपको पूरा पार्क एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। Thank you.
in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. Freedom high. Oh, far from the hurt and the bad times, I'm feeling so alive, I'm feeling so alive, yeah, yeah. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. सो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा ऐसा हट जैसे बना हुआ था, उसमें पे कुछ ऐसे बॉक्सेस रखे हुए थे और ऐसे छोटे छोटे से डायनासोर्स रखे हुए थे जो कि कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सा ये भी एक बनाया गया था। सो ये वो म्यूज़ियम है बरेड ट्रेजर्स करके। सो यहाँ से इसका एंट्रेंस है और काफ़ी छोटा सा है, बहुत बेसिक सा है। सो जब मैं इसके अंदर गई तो यहाँ पे ये पूरा मैप था सबसे पहले तो सामने की कहाँ कहाँ पे डायनासोर्स मिले थे, इस तरीके से ये मैप बना हुआ था, ट्रेजर मैप बना हुआ था। और ये पूरी येलो लाइट थी यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें रखी लिखी हुई थी, जैसे कैंसस इज सेकेंड ओनली टू टैक्सेस, मतलब ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ और क्या यहाँ पे था। यहाँ पे इनके कुछ बोन्स भी रखे हुए थे, ये कुछ जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टोन में एक छोटा सा कुछ इंसेक्ट है जो कि दब जाते हैं कई बार और वो ऐसा निशान बना देते हैं,
और ये सारी चीज़ें कुछ हैं, आई थिंक ये उनके कुछ बोन्स हैं। सो ये एक मुझे दिखा, बस इस तरीके से ये वीकेंड हमारा गया। ज़्यादा हम यहाँ पे फिर नहीं घूमे, यहाँ से सीधा हम घर चले गए, बिकॉज अगले दिन नेक्स्ट डे से ऑफिस रहता है, तो बहुत ज़्यादा थकान हम नहीं करते हैं यूजुअली संडे को। सो अगर आपको थोड़ा भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करेगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में मेरे और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए और नए अपडेट्स के लिए। सो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, एंड लेट मी नो कि आपने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया।